नरेंद्र सिंह मोदी जी को नमस्कार। नमस्कार। कश्मीर की वादी में तवील कर्फ्यू लगा हुआ है। These 900,000 troops, what are they going to do? When they come out, there'll be a bloodbath. पाकिस्तान यही भाषा बोलता आया है। जुल्म तशद्दुद का सिलसिला जारी। पेन के स्ट्रोक से उन्होंने सारी कश्मीरी कौम को अपने ही मुल्क के अंदर उनको रेफ्यूजी बना दिया गया है। ये आलमी तारीख का एक अनोखा वाकया है। एक हलाकु खान और चंगेज खान की तारीख को जिंदा किया है। 20 मिल के जाके दरवाजे खोल के मार रही है। भारत दुनिया को तीसरी आलमी जंग में झोंकना चाहता है। पाकिस्तान किसी भी न्यूक्लियर वॉर में पाकिस्तान राष्ट्र नहीं रहेगा। ये सिवाय गीदड़ भक्की और कुछ नहीं है। मिस्टर नरेंद्र मोदी इज अ लाइफ मेंबर ऑफ आरएसएस। पाकिस्तान यही बातें कर रहा है। आपने कश्मीर किया, आज तक शांति नहीं है। We were not allowed to go beyond the airport. खवातीन की इस्मतें तार तार की जा रही। More than 10,000 women are being raped by Indian army. लाइन ऑफ कंट्रोल पे गोले बरसाना भारत का मामूल बन चुका है। पीए को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। पांच दिन हिंदुत्व का प्रचार करने वाले आरएसएस के राजेश्वर कहते हैं, भारत में इस्लाम और ईसाइयत को खत्म करेंगे। मजहब नहीं सिखाना, आपस में बैर रखना। भारत में शहरियत का नया कानून मुसलमानों और ईसाइयत के खिलाफ। किसी भी मुसलमान को चिंता करने की जरूरत नहीं है। हिंदुस्तान का कोई मुसलमान आपसे डरता नहीं है। भारत में शरीयत का नया कानून। That the bill that you have brought is an assault on the very foundational values of the Indian Constitution. मैं इस बिल को फाड़ता हूँ, ये हिंदुस्तान को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। जेल में डाले, हम नहीं रुकेंगे। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। देखिए प्रोग्राम बदलते हालात इतवार की दोपहर 12 बजे टीवी 1 पर। आपसे रिश्ता है।